Good morning students, welcome to Paramount Public School. Today we will again cover a revision class for exercise section. Today we will cover chapter 2nd, File Management, Organization of Data from your computer science book Alpha. This is the part first of your revision class, and we will cover it in different parts of, of this chapter. Okay. So let's start. First, there are multiple choice questions. यू हैव टू सेलेक्ट वन आंसर फ्रॉम दिसको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना इन चार ऑप्शन में से बेटा द फर्स्ट क्वेश्चन इज इट मे कंटेन अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क ऑफ योर कंप्यूटर जस्ट वन थिंग अपनी नोटबुक लीजिए एंड टेक नोट बुक एंड अ पेन इफ यू नो द आंसर जस्ट राइट डन योट बुक ओके एंड वी विल कंपेयर एट द लास्ट ऑफ दिस क्लास ओके सो दर्स्ट क्वेश्चन इज इट मे कंटेन्स कलेक्शन ऑफ फाइल्स स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क ऑफ योर कंप्यूटर हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में ये स्टोर होता है और इसमें काफ़ी सारी फाइल्स होती है ये क्या चीज़ है जिसमें हम काफ़ी सारी फाइल्स स्टोर करके अपने हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हैं द ऑप्शन आर ए इज़ टास्क बार बी इज़ फोल्डर सी इज स्नैप फीचर एंड डी ऑप्शन इज़ प्रोग्राम्स राइट डॉन इफ यू नो दिन इज विपल डेस्क टॉप विदो टेन में हम मल्टीपल डेस्क टॉप यानी एक से ज्यादा डेस्क टॉप एक, एक पे अपनी स्क्रीन पे कर सकते हैं हमें जैसे सिस्टम पे एक डेस्कटॉप शो होता है हम विंडोज टेन में मल्टीपल डेस्क टॉप अपनी स्क्रीन पे शो करवा सकते हैं सो so, वो किस ऑप्शन से आता है किस ऑप्शन के थ्रू हम वैसा कर सकते हैं ए इज फाइल एक्सप्लोर बी इज डेस्कटॉप सी ऑप्शन वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। आंसर। बेटा कौन सी होती है विंडोज में ये कौन सी ऑडियो फाइल होती है ऑडियो फाइल होती है जिसमें सॉन्ग्स होते हैं कोई म्यूजिक हुआ कोई सॉन्ग हुआ सो so वो ऑडियो फाइल होती है विच वी कैन लिसन सो उसकी एक्सटेंशन क्या है फाइल फॉर्मेट क्या है मीन्स कि हमें कैसे पता चलता है कि ये एक ऑडियो फाइल है सो so विंडोज में उसकी ऑडियो फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके अगर वर्ड की फाइल है तो वो डॉट डॉक होगी डॉक डॉक्स होगी पावर पॉइंट की फाइल है डॉट पीपीटी होगी वैसे ही ऑडियो फाइल्स कौन सी होती है इसमें देखिए चार ऑप्शंस दे रखे हैं एज डॉट ईक्सी डॉट एम पी थ्री म्यूजिक और डॉट रार ओके जिस नाउ द फोर्थ इज दिस हेल्प यू टू ऑर्गेनाइज द स्पेस ऑन योर स्क्रीन मोर एफिशियंटली हमारा स्क्रीन पे जितनी भी स्पेस हमें शो होती है हम उसको एफिशियंटली यूज कर सके अच्छे वे से यूज कर सके ताकि हमारी स्पेस वेस्ट ना जाए तो कौन सी ऑप्शन हमें यह हेल्प करती है विंडो टेन में

कि वो uh, कौन से फॉर्मेट से हमें पता चलता है कौन से ऑप्शन से कौन सी फाइल है क्या क्या है सो so, ये आइडेंटिफायर्स ही होते हैं जो हम लगाते हैं फाइल्स के पीछे सो so, उनका नाम क्या है आदर इट इज फाइल नेम एक्सटेंशन डॉक्यूमेंट्स वाइल्ड कार कैरेक्टर्स और प्रोग्राम्स ओके सो लेट्स डिस्कस द आंसर्स द फर्स्ट क्वेश्चन इज इट मे कंटेन अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स स्टोर इन हार्ड डिस्क ऑफ़ योर कंप्यूटर फाइल्स हमेशा फोल्डर में स्टोर होती है और हम फोल्डर को अपनी हार्ड डिस्क पे सेव कर सकते हैं सो द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज बी फोल्डर ओके दिस इज द आंसर फोल्डर नो सेकंड क्वेश्चन इज विंडो टेन अलोव टू वर्क विद मल्टीपल डेस्क विद हेल्प ऑफ मल्टीपल डेस्क हम टास्क बार की हेल्प से ओपन करते हैं हम वो एक से ज्यादा डेस्कटॉप ओपन कर सकते हैं अपने सिस्टम पे इन विंडोज टेन में सो द ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन सेकेंड इज आंसर इज सी टास्क बार इन विंडोज दिस इज एन ऑडियो फाइल फॉर्मेट बेटा ऑडियो फाइल फॉर्मेट मतलब कि जो भी म्यूजिक फाइल्स होती है उनका फॉर्मेट हमेशा क्या होता है इसमें जो ऑप्शन दे रखिये डॉट एम पी थ्री डोट एम पी थ्री इज ए ऑडियो फाइल फॉर्मेट डॉट ई जो होता है वो सॉफ्टवेयर का फॉर्मेट होता है कोई भी आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल किए है कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है उसका फॉर्मेट डॉट ई होता है यानी कि एग्जीक्यूटेबल फाइल्स और सी इज म्यूजिक म्यूजिक इज नॉट अ फॉर्मेट इट्स अ टाइप कि ये म्यूजिक है एंड डी इज डॉट रार ये फॉर्मेट होता है जब हमें किसी फाइल को कंप्रेस करना हो उसका साइज बड़ा है उसको छोटा करना हो तो ये रार फॉर्मेट होता है उसका

टू व्यू द मल्टीपल टैब्स यू हैव ओपन आपने कंप्यूटर में कितनी एप्लीकेशन और टैब ओपन कर रखे है हम उस पीक फीचर से उसको देख सकते हैं उसको ओपन कर सकते हैं बट स्नैप फीचर हेल्प करता है मल्टीपल फाइल्स को एक ही टाइम पे यूज करने में सो मैंने आगे एग्जाम्पल दे रखा है इसका यू कैन सी इट ओके सो दीज आर द्वेश्चन आंसर इज बी सेकेंड इज सी थर्ड इज बी

मैंने आपको बताया था ना फोल्डर्स में ही फाइल सेव होती है और उसे बाद में हम हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हैं यू कैन सेव द फाइल्स एज इट इज आप फोल्डर में नहीं सेव करना चाहते तो फाइल डायरेक्ट हार्ड डिस्क में भी सेव कर सकते हैं दिस इज टास्क बार दिस सी मल्टीपल डेस्कटॉप दिस आर मल्टीपल डेस्कटॉप ओपन विद द हेल्प ऑफ टास्क बार दिस इज एम पी थ्री फॉरमेट सी आप किसी भी एमपी थ्री म्यूजिक फाइल या कोई भी ऑडियो फाइल का प्रोपर्टीज ओपन करेंगे टाइप ऑफ फाइल एम पी थ्री फॉर्मेट सी ओके दिस इज स्नैप फीचर सी मेरी डेस्कटॉप पर मैंने देखिये डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन ओपन कर रखी है स्नैप फीचर से और एक ही टाइप में वो मुझे शो हो रही है स्क्रीन पे दिस इज पीक फीचर सी व्हेन यू प्रेस द विंडो प्लस टैब की ऑफ योर कंप्यूटर विंडो की और टैब की को एक साथ प्रेस करने से आप ये पीक फीचर यूज कर सकते हैं जस्ट इट विल हेल्प टू व्यू द डिफरेंट फाइल्स और डिफरेंट टैब्स यू हैव ओपन इन द सिस्टम आपने कितने फाइल्स और कितनी टैब्स और कितने फोल्डर्स ओपन कर रखे हैं ये आपको वन बाय वन वो व्यू देता जाएगा वो टैब और विंडोज और टैब की आपने प्रेस कर रखनी है जब जैसे ही वो उठाएंगे जो भी टैब उस वक्त ओपन होगा वो आपको स्क्रीन में शो हो जाएगा ओके नो नेक्स्ट इज योर फिल इन द ब्लैंक्स द फर्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स डैश इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट राइट नो द डैश इज यूज टू सब्सटीट्यूट फॉर मैनी लेटर्स एंड सिंबल्स कौन सी ऑप्शन को हम सब्सटीट्यूट यानी कि अगर हमें लेटर या सिंबल नहीं पता है तो उसको एज ए सब्सटीट्यूट हम यूज कर सकतेनेटिव तो क्या चीज है डैश इन विंडोज टेन अलो यू टू व्यू एंड वर्क विद मल्टीपल एप्लीकेशन ऑन द सेम स्क्रीन ये मैं पहले भी डिस्कस कर सका हूं मल्टीपल एप्लीकेशन एक सेम स्क्रीन पे अगर मुझे यूज करनी है देखनी है तो क्या ऑप्शन क्वेश्चन इज द कीबोर्ड शॉर्टकट डैश इज यूज टू क्लोज द करंट फाइल एक्सप्लोर विंडो अगर हमें फाइल एक्सप्लोर विंडो को क्लोज करना है तो कौन से कीबोर्ड से कौन सा शॉर्टकट हम लगाते हैं कौन सी कीज प्रेस करते हैं ताकि वो करंट जो फाइल एक्सप्लोर ओपन है फाइल ओपन है वो क्लोज हो जाए ठीक है द 5th is a system configuration file has a dash file name extension सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल की क्या एक्सटेंशन होती है फाइल नेम एक्सटेंशन मैंने बताया जिससे हमें फाइल के बारे में पता चलता है तो वो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल की कौन सी फाइल नेम एक्सटेंशन जो हम बताती है कि दिस इज अ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल लेटेस्ट एडिशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है अभी जो नया मैनीटर्स एंड सिम्बल्स मैंने आपको सर्चिंग एंड शॉर्टिंग में बताया था कि वेन एवर वी आर सर्चिंग अगर हमें किसी कुछ ऐसी फाइल या फोल्डर को सर्च करना है जिसका नाम हमें पूरी तरह से नहीं पता है हमें उसके आगे के लेटर्स नहीं पता जस्ट थ्री लेटर्स पता है चार लेटर पता है उसके आगे के लेटर्स नहीं पता है तो हम वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क लगाने से वो जितने भी वो लेटर्स वो थ्री वर्ड्स से शुरू होते हैं वो सब हमें शो कर देगा ओके सो द क्वेश्चन आंसर सेकेंड फिर ब्लैंक्स इज क्वेश्चन मार्क

कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है दैट इज कंट्रोल प्लस डब्ल्यू कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करने से कीबोर्ड से अपने कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करोगे तो जो भी फाइल आपकी ओपन होगी जो भी फाइल एक्सप्लोरर ओपन होगा वो क्लोज हो जाएगा अच्छा अगर हमें ओपन करना है दोबारा से आई हैव नॉट मैंशन हेयर अगर आपको दोबारा से उसको ओपन करना है देन इट इज कंट्रोल प्लस ई कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्लोज होगा ई से ओपन हो जाएगा Now the file extension for system configuration file dot .cfg .cfg means configuration So dot .cfg is a file extension for system configuration file Now let's come with uh, true and false Just write T uh, for true and F for false <coughs> Just see if you know the answers पीक फीचर इन विंडोज टेन अलाउ यू टू व्यू एंड वर्क विद मल्टीपल एप्लीकेशन ऑन तो अभी हमने अभी लेटेस्ट ही किया है पीछे ही किया है कौन सा फीचर विंडो 10 में हमें हेल्प करता है मल्टीपल एप्लीकेशन को व्यू करने में और काम करने में देखने और उन पे काम करने में ऑन द सेम स्क्रीन इज इट अ पीक फीचर नो इट्स नॉट अ पीक फीचर इट्स अ स्नैप फीचर सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट ओके इट्स अ स्नैप ये स्नैप फीचर है जो हमें हेल्प करता है मल्टीपल एप्लीकेशंस पे काम करने के लिए द मोस्ट कॉमनली यूज वाइल्ड कार कैरेक्टर्स आर द एस्ट्रिक्स एंड क्वेश्चन मार्क इज इट ट्रू और फॉल्स हम लोग वाइल्ड कार कैरेक्टर्स में एस्ट्रिक्स एस्ट्रिक्स और ये क्वेश्चन मार्क को मोस्टली यूज करते हैं यस इट्स ट्रू हम लोग सर्चिंग के लिए मोस्टली इन्हीं को यूज करते हैं दिस स्टार ऑप्शन एंड क्वेश्चन मार्क ऑप्शन सो ड स्टेटमेंट इज ट्रू थर्ड स्टेटमेंट इज फाइल एक्सप्लोरर इज यूज टू मैनेज द रिसोर्स ऑफ योर कंप्यूटर सच एज इंटरनल स्टोरेज अटैच स्टोरेज एंड ऑप्टिकल ड्राइव्स क्वेश्चन स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि फाइल एक्सप्लोरर जो होता है उसमें हमें अपनी सारी हार्ड ड्राइव शो होती है अगर हमने कोई एक्सटर्नल डिवाइस अटैच कर रखा है या चाहे पेन ड्राइव है चाहे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है वो भी हमें शो होती है और उसके साथ साथ हमें ऑप्टिकल ड्राइव भी शो होती है अगर हमने उसमें कोई सी और डी वगैरह इंसर्ट कर रखी है कंप्यूटर में तो वो भी वहाँ पर शो होती हैं सो फाइल एक्सप्लोर क्या वो ऑप्शन है जहाँ पर ये सब हमें शो होता है हमारी डिवाइस की इंटरनल स्टोरेज यानी कि कौन सी इंटरनल हार्ड डिस्क हमें शो होती है एक्सटर्नल डिवाइसेस जो कनेक्ट होते हैं वो शो होते हैं और साथ में साथ हाँ, हार्ड हाँ, हमने कोई सीडी ड्राइव या डीवीडी uh, ड्राइव लगा रखी है वो भी हमें शो होती है

तो हमें ऊपर एक एड्रेस बाहर दे रखा होता है वहाँ पे उस फोल्डर का पूरा पाथ होता है पाथ मींस जहाँ पे वो फोल्डर सेव है फॉर एग्जांपल अगर वो डी ड्राइव में किसी और डी ड्राइव में सेव है वो फोल्डर तो वहाँ हमें डी ड्राइव करके वो पाथ पूरा दे देगा कि ये दिस फोल्डर इज सेव्ड इन डी ड्राइव इस नेम से सो इट इज़ ट्रू फोर्थ स्टेटमेंट इज़ ट्रू फिफ्थ स्टेटमेंट इज टास्क व्यू इनेबल यू टू क्रिएट मल्टीपल डेस्कटॉप्स ये हमने पहले भी डिस्कस किया है क्या टास्क व्यू वो ऑप्शन है जो मल्टीपल हमें व्यू करने सी द आंसर फर्स्ट इज फॉल्स बिकॉज द आंसर इज स्नैप फीचर नॉट अ पीक फीचर सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू

some uh, uh, questions of uh, our revision class so we will cover the next question and answer in next class so thank you so much beta